नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर एसटीएफ की टीम ने 4 नशा तस्करों को किया काबू, हेरोइन की खेप की बरामद। जालंधर के गांधी कैंप में साले ने साथियों के साथ मिलकर जीजा के घर में घुसकर किया हमला, जीजा गंभीर घायल। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सरकार के आदेशों पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत पुलिस द्वारा कई नशा तस्करों को काबू किया जा चुका है। वहीं ताजा मामला नामदेव चौक के नजदीक से सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ की टीम ने नामदेव चौक के पास से 4 नशा तस्करों को काबू किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हेरोइन की खेप भी बरामद की है। वहीं पुलिस द्वारा अभी गिरफ्तार किए गए आरोपियों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। आरोपियों की पहचान वरिंदर सिंह निवासी न्यू अमरनगर, करण कश्यप निवासी शेखा बाजार, प्रगट सिंह उर्फ गोरा निवासी ग्रीन मार्केट मंडी गांधी कैंप और पुनीत शर्मा निवासी सैदा गेट के रूप में हुई है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि पुनीत शर्मा उक्त जगह पर युवकों के साथ सौदेबाजी करने आया था। ਇਹ ਸਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੀ ਐਮ ਸੀ ਚੌਂਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਨ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ 4 ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਜੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣਾ? ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਨ। 4 ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਚਾਰੋ ਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ? ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰ ਕੌਣ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਾਰ BB08 FC। ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਾਰ ਦਾ ਜੀ? BB08 FC। जालंधर के गांधी कैंप में साले ने साथियों के साथ मिलकर जीजा के घर में घुसकर उस पर हमला कर दिया। इस हमले में गांधी कैंप निवासी जिम्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए पारिवारिक सदस्यों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। जिम्मी ने बताया कि उसका पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है, जिसके चलते कई बार उसकी पत्नी के भाई ने उस पर अदालत में तारीख पर जाते समय भी कई बार हमला किया था, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले ही पुलिस को दी है। जिम्मी ने बताया कि उसकी बहन की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी और वह गत दिवस घर पर सोया हुआ था कि उसकी पत्नी का भाई अपने साथियों के साथ आया और उसे मारपीट करता हुआ घर से खींचकर बाहर ले गया और फिर गली में उसने अपने साथियों के साथ उसके साथ मारपीट की और फरार हो गया। तो वहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर गल इदा हुई है कि असी आराम नाल रोटी रूटी बना रहे सीगे, ते आ मेरा ब्रदर है, चाचे दा मुंडा है, ते ए उपर सुत्ता सीगा, एदा साला है जिहदे नाल इहदा झगड़ा चल रहा वाइफ दे नाल, ते कोर्ट केस चलदा पिया है।
ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 4-5 ਜਣੇ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧ ਮਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੀਗੇ 4 ਜਣੇ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ मारना शुरू कर दिता है मैं इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की मेरे घर नहीं है पर इन्होंने मेरी मनी ने मेनू भी धक्का मार के ना अंदर चले गए मेरे तीजी मंजिल से जाके उन्होंने इन्होंने मारना कुटना शुरू कर दिता असी बहुत बचाने की कोशिश की मैं क्या मैं थोड़ी तो वीडियो बनानी है थाने देनी है उन्हें मेरा फोन चुक के छत तू थले सुट दिता मैडम उन्हें ना पता जेडे घर आए हाँ जी नीरज ते एक बंटी सीगा एक रोकी सीगा मैडम ते हाँ जी थाने कंप्लेंट की तुसी सर असी परचा कटवा के आए हैं असी सिविल हॉस्पिटल गए थे वो कहंदे तुहानू फोन आ जाएगा एमआरआई कट के ना उत्थे भेज दिती जाएगी फिर तुसी मौके ते पुलिस नू बुलावे सर मैं पुलिस नू फोन कीता है मेरे फोन ते ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਥਾਣਾ ਮਿਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤਲਾਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਵੇੜੇ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪੈਲਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਲਸ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਵੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਮੈਡਮ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਰ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਚੋਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪੰਗੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਗਿਆ ਉਦਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਜੱਜ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੱਸੇ ਹੈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ 4 ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਰਜ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੀਰਜ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰੋਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੀਪੂ ਝਾਂਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਿਬੇੜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਲ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿੰਮੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਹਮਲਾ ਹਮਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੇ ਹੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਬੰਟੀ ਹੀ ਰੋਕੀ ਹੀ ਛੰਟੀ ਹੀ ਨਿਰਜ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜਾਂਗੀ ਹੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੀ ਘਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਸੀਗੀ ਭਾਂਜੀ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ
अमृतसर में फुलकारी ने आगामी वार्षिक फुलकारी बाजार 23 के तीसरे संस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर फुलकारी की अध्यक्ष आरती खन्ना प्रियंका गोयल ने कहा कि आगामी वार्षिक फुलकारी बाजार 23 के तीसरे संस्करण को बढ़ावा देने के लिए फुलकारी हमेशा अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से अपने सदस्यों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि फुलकारी बाजार एमके गार्डन में 28 से 29 अक्टूबर तक लगाया जा रहा है। इस फुलकारी बाजार में लगभग 60 ब्रांड भाग लेंगे। यह अपने सदस्यों, स्थानीय प्रतिभाओं, कलाकारों, देश भर के व्यवसायों को बढ़ावा देने और घरेलू उद्यमियों को एक मंच प्रदान करने का एक प्रयास है। परिधान, कपड़े, जीवन शैली, फैशन, आभूषण, तोरण, बच्चों के परिधान और बहुत कुछ प्रदर्शित करने वाले स्टॉल होंगे। यह संस्कृति, खरीदारी, भोजन, मनोरंजन, संगीत, कार्यशालाओं और सीखने का एक उत्सव बाजार है। कोलकाता से श्रीकांता, मुंबई से सिंड्रेला, आगरा से मिस्टर सीमिस्टर जैसे लोकप्रिय ब्रांड इस बाजार में स्टॉल लगाएंगे। बाजार सभी के लिए खुला है। वहीं उन्होंने बताया कि फुलकारी बाजार के पहले दो संस्करण 2019 और 2022 में आयोजित किए गए थे। फुलकारी का लक्ष्य हमेशा महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना रहा है और इसके परोपकारी प्रयास इसे समाज को वापस देने और एक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं आरती खन्ना, फुलकारी वुमन ऑफ अमृतसर की अध्यक्ष हूँ। आज सारी प्रेस फ्रेटर्निटी को हमने आज एक दिवाली लंच के लिए बुलाया है एंड हम आपको सभी का बहुत आभारी हैं जो आपने हमारी पूरे साल इतनी मदद करी है, सराहना करी है और हमारी कोशिशों को आगे बढ़ावा दिया है। 28th एंड 29th को फुलकारी अपना तीसरा अंकी कार्निवल लगाने जा रही है एमके गार्डन्स में। 11:40 पे कुंवर विजय प्रताप जी, हमारे MLA, इसका उद्घाटन करेंगे। हम सभी आप लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप इस बाजार में आइए, अपनी फैमिली के साथ ये कार्निवल को एंजॉय करिए। इसमें 3 NGOs आ रहे हैं, मिशन दी, पुरकल स्त्री और आगोश, एंड इन्हीं तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को आके इनका सामान खरीदिए और इनकी सहायता करिए। क्या क्या चीजें होंगी इसमें, किस चीज पे फोकस किया गया है, कौन स्टॉल लगा? सो यहाँ पे 60 स्टॉल हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं, कपड़े, जूते, खाने, दिए, क्राफ्ट की आइटम्स, बेडिंग, होम फर्निशिंग्स, जो NGOs हैं वो दिए बना के लेके आ रही है, क्रॉकरी है, बहुत सारी क्ले की आइटम्स हैं। दिल्ली से एक महिला आ रही है जो घर में अचार बनाते हैं, वो लेके आ रहे हैं अपनी दादी की बनाई हुई रेसिपीज, वो लेके आ रही हैं। सो घर के अचार लेके आ रहे हैं, चटनियाँ लेके आ रहे हैं। बहुत सारी ज्वेलरी है, एक जना जो ब्रास से ज्वेलरी बनाता है वो आ रहा है। कैलकटा से नेशनल अवार्ड विनर श्री कांथा, जो कांथा आर्ट को रिवाइव कर रहे हैं, वो आ रही हैं। सो ऐसे तरह तरह के लोग हैं जो स्टॉल्स लगा रहे हैं एंड हर एक जिन्हें को यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। हमारे 6 रेस्टोरेंट्स हैं जो पार्ट ले रहे हैं, जो अपना मनपसंद खाना आप यहाँ आके खा सकते हैं। 2 सिंगर्स हैं जो 7 से लेके 10 बजे तक यहाँ परफॉर्म करेंगे, हमारा सभी का वहाँ पे एंटरटेनमेंट करेंगे एंड हम सभी आपको आमंत्रित करते हैं कि आप फुलकारी कार्निवल में आएं और हमारे साथ इसमें जुड़े। सो फुलकारी में शुरू से जब भी हम आपको मिले, हमने बताया कि हमारा हर एक इवेंट एक एम्पावरमेंट के लिए होता है। हम चाहते हैं कि हम खुद भी एम्पावर हों और औरतों को और सोसाइटी को और हम एम्पावर करें। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हम जब तक खुद चेंज नहीं होंगे हम किसी और का चेंज नहीं ला सकते। तो फुलकारी कार्निवल भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम होम बेकर्स, होम एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो जो घरों से अपना काम करती हैं यहाँ आके पब्लिक में एक स्टॉल दे रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि अपना सामान आगे दिखाएं, आगे बेचें और ग्रो करें। तो इट्स बेसिकली एन एम्पावरमेंट कार्निवल जहाँ हम सभी को चाहते हैं कि वो एक दूसरे को एम्पावर करें। मैं आपसे खरीदूं, आप मुझसे खरीदें और हम दोनों आगे बढ़ें। और की ड्राइव हम बहुत देर से करते आ रहे हैं, ये हमारा 7th ईयर है एंड हमारी इनॉग्रेशन हर साल इस कार्निवल की टील कलर बलून्स को हवा में उड़ाने से होती है। इस टाइम भी कुंवर विजय प्रताप जी एक बंच ऑफ टील कलर बलून्स फैलाएंगे और हम ये अवेयरनेस का मैसेज और आगे बढ़ाएंगे।
सभी का स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए। कहते हैं कि दिवाली मिलन अपने अपनों के बिना अधूरा होता है, और यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मीडिया परिवार है हमारे अमृतसर का, ये भी हमारा अपना है जो हमारे साथ सपोर्ट करता है, हमारे साथ चलता है और हमारे साथ मिलके काम करता है। तो हमारे फुलका आने वाले फेस्टिवल दिवाली करवा चौथ के लिए हम लोग स्पेशल रंगों से भरी फुलकारी का फुलकारी बाजार लेके आ रहे हैं। उसके अंदर पूरे हमारे प्रदेश का, पूरे देश का, पूरी स्टेट का और पूरे अमृतसर का स्वागत है। आइए लुत्फ उठाइए अलग अलग तरह की सौगात का। जैसे कि परिवार में अभी हम मेरे दोस्त शीतल खन्ना, कमल उपल, शीतल सोहल, आरती खन्ना और कमल उपल, इन तीनों ने आपको अपने विचारों के बारे में बताया कि कैसे उसके अंदर अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग फ्लेवर, चाहे वो आर्टिजन के हैं, चाहे खाने के हैं, चाहे कपड़े के हैं, चाहे आपके कहते हैं कि होम मेकर्स हैं, चाहे वो कारीगरी है, तो सब लोग जब इकट्ठा होके एक ही माहौल में, उस रंगमंच के रंगों के माहौल के साथ में, उस रंगों भरी दुनिया के अंदर मस्ती करते हैं। जैसे बचपन में बच्चे ट्रेड फेयर के लिए जाते थे तो उनको मजा किया जाता था ना कि आज हमारा फेट है स्कूल के अंदर, उसी तरह से ये पारिवारिक फेट है। तो बाजार तो इसको नाम दिया है, लेकिन ये एक पारिवारिक मेला है जिसके अंदर आप सब लगाइए और पूरे दिल से इंजॉय कीजिए। वहाँ पे खाना भी है, पीना भी है, मस्ती भी है, खेलना भी है और अपने अपने फेस्टिवल के लिए शॉपिंग भी है। तो आप सभी का स्वागत है और आप सभी का शुक्रिया भी है जो हमारे सपोर्ट में हमेशा के लिए खड़े हैं। भी एक फाउंडर मेंबर हूँ इन सब के साथ, तो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं वो तो आपको पता ही है। ये एक वंस इन अ ईयर प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जबकि हम अपना जो भी प्रोग्राम्स करते हैं एक तो उसको एम्पलीफाई करें ताकि सबको पता चले कि सिर्फ हम खाना पीना नहीं करते हैं, बहुत और काम भी होते हैं। और ये जो कार्निवल में भी जब हम पार्टिसिपेंट हमारे को अप्रोच करते हैं तो उनकी भी हम डेफिनेटली उनकी हम एनालिसिस करते हैं कि कौन डिजर्विंग है, वो क्या आर्टिस्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस प्रपोजल्स नहीं है जैसे आपको लगा था। दिस इज नॉट जस्ट ए कॉमर्शियल एंगल, इट हैज़ मैनी लेयर्स टू इट कि उसमें कॉमर्स भी हो, क्योंकि कॉमर्स के बगैर कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर उसके साथ कोई आर्टिस्ट्स हों, कोई आर्टिसंस हों, कोई स्किल्स हों जो साथ में प्रमोट हो सके ताकि उनकी जो कार्रवाई है वो एम्पलीफाई कर पाएं और उससे ज्यादा लोगों को पता चल सके। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर सोलह लिंक रोड वाल्मीकि नगर मॉडल टाउन में भगवान वाल्मीकि भवन में भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी और मोहल्ला निवासियों के सहयोग से झंडे की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर पवन सूद, बंटू सब्रवाल, पुरुषोत्तम सोंधी, दीपक तेलू, प्रधान बॉबी सोंधी, विक्रम भंडारी, जनरल सचिव रतनलाल हीरा, करम थापर, चौधरी जगन्नाथ, अजय चोपड़ा, कैप्टन बाजवा, शिवजी कल्याण, आकाश आदिया, विक्रम कल्याण, नवजोत सोंधी, नवजोत दहिया, अंकुश परम सोंधी, संजीव सहित अन्य मोहल्ला निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। रामदास सेवक जत्था जालंधर की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व को समर्पित 16वां अलौकिक कीर्तन दरबार छोटी बारादरी पिम्स मेडिकल कॉलेज के खुले पंडाल में गड़ा रोड नजदीक बस स्टैंड जालंधर में बड़ी ही श्रद्धा भाव से करवाया गया, जिसमें पंथ प्रसिद्ध रागी व ढाडी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। इस मौके पर सचखंड श्री दरबार साहिब के हेड ग्रंथी एवं श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुबीर सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान आई हुई संगत के लिए गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। इस अवसर पर गुरचरण सिंह, भूपेंद्र पाल सिंह खालसा, जोगिंदर सिंह, जगदीप सिंह, बॉबी वरिंदर सिंह अरोड़ा, गुरमुख सिंह, जगमोहन सिंह, गुरदीप सिंह बाबा, गगनदीप सिंह गुंबर, रिपू दमन सिंह जोली, जसरूप सिंह, परमिंदर सिंह जौली, जेपीएस अरोड़ा, महेंद्र सिंह बेदी, मनजीत सिंह अरोड़ा, जोगिंदर सिंह गुंबर, अमृतपाल सिंह सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। जिंदगी का सफर है दे विच बड़िया बात घट चल दिया रहिंदिया। सतगुरु पातशाह कृपा करने समागम इस तरह ही चलते रहने हैं। जैसे 68 तीर्थ पर्स किए जुग चार चढ़े कैलाश रहो, जैसे कोट तप जन्म तप उर्धमुखी बैसंतर में तन दाहे दियो, जैसे लाख बेर कुरुक्षेत्र में असमेत जंग अपंग ठहो, उन्हें अमृत नाम विशेष कीति जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। सारी संगत जड़ी है गज बज के फतेह बुलाओ जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश पुरब समर्पित ये 16वां कीर्तन दरबार श्री गुरु रामदास सेवक जथा जलंधर वालों करवाया जा रहा है। भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी आस्ट्रेलिया वाले पहुँच चुके हैं। गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब से जिस दी दिन मना रही है असी उसका जिक्र ही करना। ये साढ़े समूह सेवक जथे वालों फैसला कि गुरु रामदास जी की उस्तत करनी है, किसी बंदे की उस्तत नहीं करनी। गुरबाणी में पोथी परमेश्वर का थान चार खाणिया अंडर जेरज उत्पज सेत चार बाणिया उत्तम मधमा बसंती बैखरी। गुरु साहब ने इस मनुखता के भले लई एक स्थान बनाया सचखंड श्री हरिमंदर साहब जिसने चार दरवाजे रखे हैं जो वरना को उपदेश सांझा। इस तरह ही धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने इस गुरसिखी के महल को पक्का करने लई अपने बच्चों की मिज हड्डियों की मिज ते खून का गारा बना के इस महल नू उसारिया जेड़ा सदीवी काल जुगा जुगांतरा तक चलेगा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने जेड़ा गुप्त मंत्र खालसे कोल सी